कांगड़ा वालों, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर एक कल्पना कर दो कि इंडी अलायंस जीत गया तो उनका प्रत्याशी कौन, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई नाम है? अरे ऐसे नहीं, चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं? ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, लालू जी? अब हंसना मत हो, युवा हो, जरा भी मत हंसना। लालू बाबा बन, राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो भाई? भाइयों बहनों, इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। जब पत्रकारों ने उनको पूछा कि भैया आप प्रधानमंत्री किसको बनाओगे, तो नाम तो किसका कहे है ही नहीं, तो कह दिया बारी बारी पांच साल एक एक जना बनेगा। बोले ऐसे देश चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? और बारी बारी प्रधानमंत्री बनाने की ये राहुल की जो फॉर्मूला है, मैं राहुल बाबू को, बाबा को पूछने आया हूं, राहुल बाबा ये बारी बारी प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, मुझे बताओ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कोई दे सकता है क्या? जोर से बोलो, दे सकता है? कौन दे सकता है? कोरोना जैसी आफत को देश में आए तो कौन बचा सकता है? चंद्रयान चंद्रमा तक कौन पहुंचा सकता है? G20 कौन कर सकता है? आतंकवाद कौन समाप्त कर सकता है? नक्सलवाद कौन समाप्त कर सकता है? 60 करोड़ गरीबों का भला कौन कर सकता है? ये युवाओं के लिए स्टार्टअप की फौज कौन खड़ी कर सकता है? और भाइयों बहनों, सिर्फ कांगड़ा में नहीं, मैं देश भर में जहां भी जाता हूं, पूरे देश में मोदी 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 के नारे। भाइयों बहनों, ये मोदी मोदी का जो नारा है पूरे देश में लग रहा है, वो विकसित भारत का नारा है, वो आत्मनिर्भर भारत का नारा है। और 130 करोड़ की जनता का उम्मीद का नारा आज नरेंद्र मोदी बनकर रह चुके हैं।